हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अरंजस फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और इसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुका हूं मैं MBA फाइनेंस के सब्जेक्ट के साथ। जी हां, MBA फाइनेंस के सब्जेक्ट के साथ। और क्या कमाल का ये सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि जितने भी MBA फाइनेंस वाले बच्चे हैं, वो बजट बजट छोड़ो, वो जॉब वॉब छोड़ो, वो ये सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ। अरे सब्जेक्ट में इतना पैसा है, इतना पैसा है। जी हाँ, इस पढ़ाई में पैसा है, इस लर्निंग में अर्निंग है, इस पढ़ाई में पैसा है, इस लर्निंग में अर्निंग है। क्योंकि ये सब्जेक्ट केवल बुकिश नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ता है। और आपके अगर कोई भी MBA फाइनेंस का है, उसका सबसे ज्यादा अगर किसी में उसको पैकेज मिल सकता है, 15 लाख 20 लाख का मिनिमम पैकेज आपको मिल सकता है। आप यदि खुद की फ्रीलांसिंग सर्विसेज शुरू करते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप पैसा बना सकते हैं। ये एकदम क्लियर कट बात है। आपको यदि पैसा बनाना है, आपको यदि सीखना है कि फाइनेंस का MBA का काम क्या है, चल तो ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट थिंग देते हैं, लेकिन मेरे को ये सब्जेक्ट खुद दिल के बहुत करीब है, इसलिए मुझे इसको पढ़ाने में भी काफी मजा आता है और इसको सिखाने में भी काफी मजा आता है। तो MBA फाइनेंस का ये सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? थंबनेल देख चुके हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। सर ये क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट? अब इतनी सब्जेक्ट की बड़ाई कर दी है तो सब्जेक्ट बताना भी पड़ेगा। इसके अंदर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जॉब पाते हैं। हो सकता है आपको एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर की जॉब शुरू में ना मिले, मींस कि आपको डायरेक्टली कोई कंपनी, या कह सकता हूं म्यूचुअल फंड की कंपनी कह सकता हूं, कोई बैंक कह सकता हूं, डायरेक्ट बिना CA करे MBA फाइनेंस पास आउट को म्यूचुअल फंड एडवाइजर ना बनाए। लेकिन आप इसमें धीरे 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 प्रोग्रेस करके म्यूचुअल फंड एडवाइजर की एक की पोजीशन तक आ सकते हैं। आप एक फंड एसेट्स मैनेजमेंट के इसके अंदर कोर्स के अंदर जा सकते हैं और यकीन मानिए काफी अच्छा पैसा है। मतलब कि पैसिव इनकम जनरेट करने का सबसे अच्छा बिजनेस है। इंश्योरेंस भी है इसके अंदर, टैक्स प्लानिंग भी है इसके अंदर, म्यूचुअल फंड भी है इसके अंदर, RD भी है, FD भी है, सेविंग अकाउंट ओपनिंग है, करंट अकाउंट ओपनिंग है, लोन प्लानिंग है, ठीक है, EMI कैलकुलेशन है, सारी चीजें इसके अंदर अगर आप सीखोगे ढंग से तो आपको सीखने मिलेगी। तो यह सब्जेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। MBA थर्ड सेम का पार्ट तो है ही, BBA में आता है, BCom में आने लग गया है ये सब्जेक्ट, MCom में तो आता ही है, और UGC NET के अंदर जो कॉमर्स से दे रहे हैं, ना कि मैनेजमेंट से, जो कॉमर्स से दे रहे हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और तुरंत फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हल्ला बोलते हैं। और मैंने जो जो बातें आपको बोली है कि इससे अपना अपना करियर कैसे बनेगा, सारी की सारी चीजें अपन डिटेल में देखते हैं। क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो टॉपिक आया है वो कह रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन बताइए। किसकी डेफिनेशन बताइए? फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन बताइए। क्या कह रहा है? अब फर्स्ट पॉइंट है, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग है, धीरे धीरे चलूंगा मैं, लेकिन सारे टॉपिक कवर अप करूंगा, सारे यूनिट से इसके बाद एक अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अभी फाइनेंस के चैप्टर्स मैंने उठा लिए हैं, IB के भी उठा रहा हूं, तो जल्दी से जल्द आपका ये फाइनेंस का सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इसका फर्स्ट पॉइंट है। कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप कमेंट करके अपना डाउट जरूर पूछिएगा, समझ में आए तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो भी बता दीजिएगा, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक, पहला पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग बुकिश डेफिनेशन क्या कह रही है? बुक कह रही है फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग द कॉम्पिटिशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज इन रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि फाइनेंशियल जो हमारी प्लानिंग है इसका केवल मतलब है कोई एक RD खुलवा लेना, FD कर देना, कोई एसेट्स खरीद लेना यानी कि लैंड खरीद लेना, इसके अलावा कहीं पे इन्वेस्ट कर देना, शेयर खरीद लेना, केवल इतना ही मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो दोस्तों इससे बहुत बियॉन्ड है। फाइनेंशियल प्लानिंग का केवल यह मतलब नहीं कि हम हमारे फंड का क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का यह मतलब है कि हमको फ्यूचर में, जी हां, हमको फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है। आज आप सभी MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, आज से 15 साल बाद आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी,
अरे कुछ तो अंदाजा लगाओ सर, मेरे को 25 लाख चाहिए सर, मेरे को 50 लाख चाहिए सर, मेरे को 60 लाख चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको क्या चाहिए? अरे सर अभी तो इनकम ही नहीं आई, आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हो, आपकी तो जॉब ही नहीं लगी अभी आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हो। अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग आप कह रहे हो कि स्टार्ट कब होगी, सब क्या सोचते हैं जब पैसा आना शुरू होगा, यानी कि या तो हमारी जॉब लग जाए या हमारा कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाए तब हम फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करें। ना 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 ना, फाइनेंशियल प्लानिंग पैसा आने से पहले स्टार्ट होती है। याद रखिएगा पैसा इसकी केवल एक थिंग है जिसके थ्रू ये कंप्लीट की जाती है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है कि ये पैसा आएगा तभी स्टार्ट होगी। फाइनेंशियल प्लान कब होगा, प्लानिंग पहले करी जाती है फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। हम क्या करते हैं भैया, पहले पैसा आएगा और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे खर्चे सारे इनकम एक्सपेंसेस डिसाइड करेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, पहले प्लानिंग करना है। तो ये क्या फ्यूचर में हमको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आज हमारे पास कितनी एसेट्स है, या एसेट्स क्रिएशन के लिए हमको कौन से वर्क करने चाहिए। एसेट्स क्रिएशन के लिए यानी कि बनाने के लिए, मान लेते हैं कि मेरे को सर रफली मान लेते हैं कि आज से 5 साल बाद 25 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए कि मान लेते हैं कि एक कार लेनी थी, मैंने एक गोल डिसाइड किया कि एक कार लेनी है 25 लाख रुपए की। ठीक है भैया, आनंद जी ने गोल डिसाइड कर लिया कि 25 लाख की कार 5 साल बाद चाहिए। अब अभी पैसा उस अकॉर्डिंग आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये चेक किया जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम एसेट्स को क्रिएट करेंगे कि किन किन ढंग से आ सकता है। क्या मेरे को अभी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, कहीं स्टॉक खरीदने होंगे, कोई म्यूचुअल फंड का प्लान लेना होगा। अब ये एक परसेप्शन, सेकेंड परसेप्शन है कि मेरा फाइनेंशियल गोल है कि मैं मेरी फैमिली को सिक्योर करूं, उनको मतलब मैं ना रहूं। वैसे तो भगवान आपके आशीर्वाद से आपके लिए भले के लिए और मेरी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए मुझे जिंदा रखे, लेकिन भले मैं ना रहूं पर क्या हो, उनकी लाइफ सिक्योर होने के लिए मैं मेरा लाइफ इंश्योरेंस कराऊं ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट बने रहे। तो यहां पर बात क्या हुई, उनको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आज से 10 साल बाद, 50 लाख 60 लाख 70 लाख, जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहां पर मनी आएगी ये सेकेंडरी, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर की कैपिटल रिक्वायरमेंट को, फ्यूचर की कैपिटल रिक्वायरमेंट को आज के एसेट से कंपैरिजन करना और पता लगाना कि हम ये फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं या इसी अर्निंग के साथ इस फ्यूचर तक पहुंचा जा सकता है। आज कोई 20,000 रुपए कमा रहा है तो एस्टिमेट करना चाहिए मैं हर साल 5% की ग्रोथ पे जाऊंगा। अभी मैं आपको ईएमआई कैलकुलेटर पे लेके चलूंगा, इस वीडियो में नहीं लेकिन इस सीरीज में जरूर लेके चलूंगा, जिसमें अपन चेक करेंगे कि अपन ईएमआई कैलकुलेटर से कैसे अपन पता लगा सकते हैं कि हम 20,000 रुपए पे आज है, 10 साल अगर इसी कंपनी के अंदर टिके रहते हैं और 5% हमको एवरेज ग्रोथ मिलती है तो हमारी नेट क्या होगा, 10 साल बाद कितनी इनकम आ रही होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्लान को शिफ्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग को शिफ्ट कर सकते हैं। अब है ना कितने इंटरेस्टिंग बात, आज तक आपको पता था कि आप एमबीए कर रहे, केवल 500 रुपए की अगर आपने म्यूचुअल फंड कराया होता दोस्तों, केवल 500 रुपए का म्यूचुअल फंड कराया होता और 6,000 रुपए सालाना डाले होते और आप अगर इसको 20 साल 30 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सके, 6,000 रुपए सालाना 20 साल 30 साल तक 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, 1 करोड़ के ऊपर किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर से कंप्लीट कर लेना, 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न ले लेना, 1 करोड़ के ऊपर आपकी इनकम पहुंच जाती है। और आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है भैया, 6 लाख 12 लाख के कुछ इन्वेस्टमेंट बैठेगा। तो ये चीजें एक एमबीए फाइनेंस वाले को देखनी है कि सर ये 1 करोड़ हो रहा है, नहीं नहीं सर आपने गलत बताया था, 80 लाख होगा, नहीं नहीं सर 90 लाख होगा। अगर ये वाले स्टॉक ले लिया जाता तो 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाता, अगर ये वाला स्टॉक नहीं लेके जाता, ये बिल्डिंग ले ली जाती, ये बिल्डिंग में तो सर हमको ज्यादा पैसा चाहिए, म्यूचुअल फंड ले लिया जाता तो कर सकते हैं, डेप्ट फंड चाहिए, इक्विटी फंड चाहिए, डेरिवेटिव्स मार्केट है, कहां पे पैसा लगाया जाए। बहुत एजेंट को कमाई है, पैसिव इनकम जबरदस्त है, बस ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। अभी एमबीए मेरी राय मानो, आज किसी भी म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की आरडी शुरू करूं, एसआईपी शुरू करूं, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, शुरू करूं। मैं कह रहा हूं सबसे पहले इंडेक्स फंड उठाओ, निफ्टी 50 ले लो, अपने सेंसेक्स ले लो, खेलना शुरू करो, थोड़ा समझो, अपने पैसा लगाओ, 500 रुपए का म्यूचुअल फंड लो, शेयर ना लेना,
म्यूचुअल फंड लो, म्यूचुअल फंड के लो, दो तीन साल तक म्यूचुअल फंड के लो, थोड़ा सीखोगे, थोड़ा नॉलेज आएगा, थोड़ा अर्निंग की मन आएगा, आपको पता चलेगा वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का आप, मैं थ्योरी थोड़ी पढ़ाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर आपको, कि आपको पूरी की पूरी थ्योरी रटा दो चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग ये हो गई, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। ना, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ एमबीए फाइनेंस वाले बच्चे जो कहते हैं ना सर स्कोप कम है, स्कोप कम है, स्कोप कम है, मैं कह रहा हूँ कि भैया मार्केटिंग से ज्यादा स्कोप तुम्हारे पास है, बस तुम्हारी जो वेल्थ क्रिएशन होगी ये लॉन्ग टर्म रहेगी, पैसिव इनकम एक बार होगी। एक बार LIC का जो एजेंट होता है ना आपके मोहल्ले में एक होगा, उससे जाके पूछिएगा जो 15 साल से LIC में काम कर रहा है, 1-2 साल से नहीं, 15 साल से LIC में काम कर रहा है, आज उसकी मंथली इनकम, पैसिव मंथली इनकम 50,000 से ज्यादा ही होगी, अगर वो थोड़ा सा भी उसने एफर्ट 15 साल कंटिन्यूस करा है तो। यही वेल्थ क्रिएशन है, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है, कि उसको 15 साल पहले पता है कि हमको 15 साल बाद इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी एक्टिविटी फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं, अब कोर्स तो हमको करवाना ही है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी चल लेते हैं। सबसे पहला, हमारे बिजनेस का विजन और मिशन और ऑब्जेक्टिव, यदि मैं पर्सनल चल रहा हूं तो पर्सनल विजन और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सेकंड, असेस द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा तब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट वही पेस्टल वाला अपना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और लॉ का एनवायरनमेंट, वही हमको चेक करना है कि ये फ्रूटफुल रह रहा है बिजनेस के नहीं रह रहा है, क्या आने वाले समय में वॉर की सिचुएशन है कि नहीं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कौन से रिसोर्सेज चाहिएंगे इस ऑब्जेक्टिव को। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, 50 लाख की बिजनेस, 2 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का टर्नओवर, 100 करोड़ का टर्नओवर। अरे हम तो कहते हैं आप लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो, लाखों करोड़ कमा सकते हो, 2 लाख करोड़ कमाने सर कमाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपकी मेहनत और आप यंग जनरेशन, मतलब जबरदस्त एनर्जी है आपके अंदर, केवल और केवल आपको चीजें समझनी है, सीखनी है, स्किल डेवलप करनी है। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट टू ईच टाइप ऑफ रिसोर्सेज, एसेट्स खरीदूंगा कितना लगेगा, म्यूचुअल फंड कराऊंगा कितना लगेगा, स्टॉक मार्केट में जाऊंगा कितना लगेगा, सारी चीजें, हर चीज डरने का नहीं है, सीखने का है, ठीक है। क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, लेबर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल, कौन सी चीज में कितना मेरे को लेबर लगेगा, क्या मेरा बिजनेस रन होगा आज से 5 साल बाद, तो कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कितने फंड सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आज पता करना, यही सब फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। अगर मैं बिजनेस के परसेप्शन से जा रहा हूं, अगर इंडिविजुअल परसेप्शन से जा रहा हूं तो 2-4 चीजों में कंप्लीट हो जाता है, मेरी इनकम, मेरी स्पेंडिंग हैबिट और मेरी फ्यूचर रिक्वायरमेंट, 3 चीजों में खत्म, आगे अपन देखने वाले। आइडेंटिफाई एनी रिस्क, रिस्क तो है, विदाउट रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन, सीधा सा फंडा है, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, लेकिन लो रिस्क में भी हाई गेन मिल सकता है यदि हम फिक्स्ड एसेट्स में जाते हैं। फिक्स्ड एसेट यानी कि आपने कोई लैंड लिया, कॉमर्शियल आपने, कहता हूं कॉमर्शियल, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, आपने ये अपने यूजेबल जो प्रॉपर्टी होती है, जो अदर अपन नेसेसिटी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं वो नहीं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदो, इन्वेस्ट करना है हमेशा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में करो, उसकी रेट बहुत बढ़ेगी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की क्या रेट बढ़ती है, 6%, 7%, 8%, इतना तो हमारा वो इन्फ्लेशन मार देता है हमको, इतना नहीं, महंगाई बढ़ जाती है इतनी, है ना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। समराइज द कॉस्ट ऑफ क्रिएट द बजट, समराइज करो, एक बजट बनाओ कि मैं इतना पैसा यहाँ लगाऊंगा, 20% में मेरी अर्निंग का यहाँ खर्चा करूंगा, 30% में मेरा नेसेसिटी फंड के लिए रखूंगा, इमरजेंसी फंड के लिए, ठीक है, 20% यहाँ रखूंगा, 40% का मैं कुछ ये करूंगा, है ना, और 10% मैं भगवान के लिए डोनेट करूंगा, ये भी बहुत जरूरी है ना, कुछ भी अर्निंग करें एक सोशल वेलफेयर के लिए, भले आपको हो जाए 1 लाख रुपए की नौकरी हो, 100 रुपए कोशिश करें कि किसी भी गॉड, चैरिटी, सोशल वेलफेयर, कहीं भी अल्लाह, ईश्वर, तेरो नाम, कहीं भी लगाए, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट आप कर ले कि हाँ मेरे को इतना पैसा यहाँ लगना है, भले आप उस पर किसी दान पात्र में करें, किसी गरीब को कुछ दें, वो डिपेंड ऑन यू, लेकिन एक सोशल वेलफेयर करना एज अ ह्यूमन बींग आपके लिए बहुत जरूरी, वही बंदा ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होता है, जबकि ठीक है, एक ट्रिक बता दिया आपको, अब आगे बढ़े, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इधर उधर की बातें, कोर्स कंप्लीट कराओ, कोर्स भी हो जाएगा, लेकिन ये बात आपके लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए, वरना आपने देखा मैं कभी भी किसी सब्जेक्ट में टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, लेकिन ये MBA फाइनेंस के लिए स्पेशली बातें हैं, देखो ये सीखनी चाहिए आपको,
और ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है, ये आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता है। जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट में ज्यादा सीखोगे वैसे वैसे आपका पैकेज बढ़ेगा। लाखों रुपए की बात कर रहा हूं यहां पर, तो एक 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं कि इस परसेंटेज आ जाएगा आपके 80% 70%। अरे बहुत छोटी स्मॉल थिंग है, आ जाएंगे 70-80% बनने में, बन जाएंगे एमबीए के अंदर, सबके बनते हैं, आपके भी बन जाएंगे। ठीक है, कुछ की बैग लगती है बड़े किस्मत वाले होते हैं, कुछ की नहीं लगती है वो भी बड़े किस्मत वाले होते हैं, आपकी नहीं लगेगी। मेरे को पढ़ लोगे नहीं लगेगी, इतनी बात भी बोल रहा हूं, लेकिन जब करियर का गोल अचीव करना है ना, तो आपने निकलना है ना यहां से। जब निकलोगे एमबीए पास आउट होगे, तब पैसे की जब तक खनखन नहीं होगी, जब तक रुपए नहीं बरसेंगे, तब तक आगे जीवन नहीं चलेगा। ये जीवन का कटु सत्य है, और ये सब्जेक्ट आपको वो एबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सको, आप खुद इंडिपेंडेंट बन सको। सर, आई एम द म्यूचुअल फंड एडवाइजर फ्रॉम एबीसी कंपनी, आई एम द टैक्स कंसल्टेंट फॉर एबीसी कंपनी, आई एम द इंश्योरेंस एजेंट फॉर एबीसी कंपनी, देन यू रियलाइज कि एलआईसी के एजेंट, एचडीएफसी बैंक के एजेंट, सेविंग अकाउंट के एजेंट, करंट अकाउंट के एजेंट, लोन के एजेंट, ये सब पैसा कैसा कमा रहे, इंसेंटिव कहां से आ रहा है, और इनके लिए मेहनत जो है वो 10 years 20 years तक कंटिन्यू है। उसके बाद इनकी पैसिव इनकम इनकी रेगुलर इनकम से बहुत ज्यादा हो जाती, बहुत ज्यादा मतलब 4 times 3 times हो जाती। और ये जितने भी मगर कोई देख रहा है पुराना वीडियो, वो सब ये बात जानते हैं कि मैं यह बात सच कह रहा हूं। ठीक है, तो नीड क्यों है हमको फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी क्यों चाहिए? अगर आप किसी को समझाने जाएंगे कि वो पूछेगा भैया मेरे को जरूरत क्या है, सही चल रहा है जीवन में सब कुछ, आप ऐसा आता है मैं कहीं खर्च कर देता हूं, जो बचता है उसको बैंक की एफडी करा देता हूं। बताओ, एफिशिएंटली मैनेजिंग डेब्ट, यानी कि अगर कोई उधार लिया है, अब देखिए डेब्ट में भी हमारे पास कार लोन में ही एक 8% का कार लोन है, एक 12% का कार लोन है, और एक 16% का कार लोन। तीन कंपनियां तीनों अलग तरीके का कार लोन के ऊपर परसेंटेज दे रही है। आपको चाहिए कोई कार लोन मान लीजिए 3 lakh rupees का, एक 8 दे रही है, एक 16 दे रही है, आपको 8 वाले के अंदर क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या लॉसेस होंगे? अगर 8 पे कम पे दे रही है तो उसकी पेनल्टी चार्जेस ज्यादा है, या उसमें फ्लोटिंग रेट चार्जेस नहीं है, उसमें ऐसा कौन सी थिंग है, आप प्री उसको बंद नहीं, क्लोजिंग नहीं करा सकते, ऐसी कौन सी चीजें? तो आप अपने जो डेब्ट है उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत है। केवल फाइनेंशियल कंसल्टेंट के हेल्प से, जैसे पॉलिसी बाजार क्या करता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट देता है, 5 तरीके के एजेंट रख रखे उसने, पॉलिसी रख रखी 50 रख रखी, बताता है यहां से इंश्योरेंस लोगे इतना मिलेगा, यहां से इंश्योरेंस लोगे इतना मिलेगा, यहां से इंश्योरेंस लोगे इतना मिलेगा, पॉलिसी बाजार पर गया सीधा सीधा उसने, एक एजेंट ने बुक करा, ये आपकी बात हो गई, क्लियर हुआ आपको? तो ये आपको कभी गाइड करना होता है कि आपको अगर कोई ईएमआई, अब लोन तो ले ही रहा है बंदा, उसको हाउसिंग लोन आपसे नहीं लेगा तो कहीं से लेगा, और आप तो कोई इतने अपन करोड़पति है नहीं कि हम लोन दे रहे हैं, लोन तो उसको बैंक दे रही है। आपको ये गाइड करना है कि विच बैंक इज बेटर, विच ईएमआई सूट्स हिज प्रोफाइल, आपको कौन सी ईएमआई ज्यादा मिलेगी, कहां पे उसका 2% प्रॉफिट हो सकता है, 1 lakh पे 2%, 2000 भी बच गया ना उसका, वो 1000 rupees खुशी खुशी आपको दे देगा, क्योंकि उसका हर साल 2000 बच रहा है, हर किस्त में बच रहा होगा कुछ अमाउंट उसका हर किस्त में, तो ये फर्स्ट है। सेकंड, इन्वेस्ट इन द राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट, कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में, म्यूचुअल फंड ही हजारों तरीके के हैं, आप ये दे रहे हो आरडी हजारों तरीके की, एफडी हजारों तरीके की, ये बैंक्स में अलग अलग फ्लोटिंग रेट्स में चलते हैं, तो कौन से फाइनेंस में, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल जो अचीव किए जा सके, स्मार्ट का मतलब वो है जो अचीवेबल हो, जो हम एक कंपेरेटिवली बना सकते हैं कि ठीक है मेरी इनकम में 5% बढ़ोतरी होती जाएगी तो मेरे एक्सपेंसेस में भी 5% बढ़ोतरी होती जाएगी, इन्फ्लेशन भी 5% बढ़ेगा, फिर भी मैं गोल अचीव कर सकूंगा क्योंकि मैंने अभी यहां पर ऐसा ही चीजें करी। ठीक है, अब ब्लूप्रिंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल, यहां पे क्या करा आपने, ब्लूप्रिंट डिसाइड करा फॉर लॉन्ग टर्म गोल, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल हमेशा यहां पर कौन सा होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का लॉन्ग टर्म मिनिमम 10 years, तब जाके उसको अचीव करने का मजा है। आज आप एमबीए कर रहे हो, आज से गोल बना लो 10 साल बाद कितना पैसा चाहिए और उसके लिए क्या मेहनत करनी है, वो आज डिसाइड करो, तब आपका करियर भी बन जाएगा, तब सारी चीजें भी होंगी। मेन कंसंट्रेशन करना है कि आपको फाइनेंस कितना चाहिए। मैनेजिंग कैश फ्लो, पैसा आता तो है सर लेकिन रुकता नहीं है, खर्च बहुत हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम कैश फ्लो की बजटिंग नहीं कर पाते, हमें ये नहीं पता आज पीवीआर में गए 1000 rupees उड़ा दिए, क्रेडिट कार्ड था पप्पा जी का, हमारे खुद के भी हो गया सर, क्रेडिट कार्ड गए बैंक में स्वाइप करा दिया फटाफट, ये आ गया क्रेडिट कार्ड का बिल 25,000 rupees, सैलरी है 20,000, 5,000 का लोन हो गया, ठीक है ईएमआई बनवानी पड़ी, तो हमने हमारे कैश फ्लो को मैनेज नहीं करा,
हमने उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया कि हमारा एक्सपेंसेस रेशो कितना हो, हमारा सेविंग रेशो कितना हो, और ये हम अगर मैनेज नहीं करेंगे इसलिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। स्ट्रीमलाइन द इन्वेस्टमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब कि एक रूपता लाना कि कौन कौन सी चीजें मेरे को फर्स्ट रखनी है। इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मेरे को बिल्डिंग खरीदनी है, एक कॉमर्शियल मैंने आपको बताया, कॉमर्शियल आप दुकान खरीदिए, ठीक है। अब कॉमर्शियल दुकान खरीदनी है आपको, कॉमर्शियल कोई एरिया खरीदना है आपको, तो उसके लिए अमाउंट चाहिए। कुछ 20 लाख से अपन मिनिमम मानते हैं कि अगर रिमोट एरिया के अंदर शॉप लेने जाते हैं तो 20 लाख से एक शॉप मिलती है अपन को, लेकिन उतना है पैसा नहीं है। तो उसके लिए 20 लाख क्रिएट करने के लिए मेरे को SIP कराना होगा, 500, 1000, 2000 की SIP से शुरू करना होगा। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने से, सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने से 20 साल इन्वेस्ट करूंगा, 10 साल इन्वेस्ट करूंगा तो इतना रिटर्न आएगा। दैट इज द स्ट्रीमलाइनिंग, एक रूपता लाए। फिर जैसे ही पैसा हो जाएगा उस पैसे को मैं खुद में ना लगा के मैं शॉप ले लूंगा और फिर उस पैसे से पैसा बनेगा। दैट इज द मनी पावर, एक पैसे के ऊपर फिर पैसा बनता है। दैट इज द एक्युमुलेटिव पॉइंट। सेट द राइट एसेट्स एलोकेशन, राइट एसेट्स एलोकेशन यानी कि एसेट्स एलोकेशन का मतलब मेरे को इक्विटी में कितना परसेंट रखना है, 20% रखना है, ठीक है। शेयर्स के अंदर, शेयर्स भी अब प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर मेरे को कितना रखना है, 10%। डेप्ट शेयर्स के अंदर, डेप्ट के अंदर कितना रखना है, 10%, ठीक है। और एसेट्स में मैं फिक्स्ड एसेट्स में कितना रखूंगा, 50% रखूंगा, ठीक है। और रिमेनिंग का रखूंगा, रिमेनिंग में डेरिवेटिव में रख देता हूं, ठीक है। तो कितना हो गया, 10%, ये मेरा एसेट्स एलोकेशन हो गया। तो ये करेक्ट, हर किसी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, उसकी रिस्क कैपेसिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी, है ना, रिस्क लेने की क्षमता भी होती है। हर कोई मतलब रिस्क कितना ले भी नहीं सकता, ठीक है। कोई एफ एंड ऑप्शन खेल रहा है, फ्यूचर ऑप्शन खेल रहा है, कोई इंट्राडे खेल रहा है शेयर मार्केट में, कोई डिलीवरी पे विश्वास रखता है हमारे जैसा कि भैया इक्विटी शेयर तो डिलीवरी में डील करनी है, हमको इंट्राडे वगैरह से कोई मतलब नहीं। वी आर विदाउट रिस्क, दिमाग में जोर नहीं चाहिए, जो दिमाग में जोर चाहिए जो खेल रहा है उसके अंदर। एफ एंड ऑप्शन 5000 लगा के 500 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है वन डे के अंदर, वो उसकी एलोकेशन अलग होगी, हमारे काइंड ऑफ एलोकेशन अलग होगी। कैलकुलेटिंग द राइट इंश्योरेंस कवर, मेरे को मेरी फैमिली के लिए अभी कितने करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, कौन सा इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, कौन से किस काइंड का इंश्योरेंस चाहिए मेरे को, परमानेंट डिसेबिलिटी का चाहिए, पार्शियल डिसेबिलिटी का चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस चाहिए, कितना अमाउंट का चाहिए, इसके लिए हमको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होगी। इन रेगुलर सेविंग हैबिट, ठीक है, एक सेविंग हैबिट बढ़ाती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। सिंपल से ये सारे पॉइंट्स हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और ये सब्जेक्ट में मजा आ रहा होगा, है ना। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब थोड़ा एग्जाम के हिसाब से बता देता हूं, एग्जाम में प्रोसेस पूछी जाती है। सबसे पहला क्या करना होता है, किसी भी प्रोसेस में जाते हैं तो हम क्या सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो यहां भी हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना है, यानी फाइनेंशियल हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए, यानी कि 30 लाख कमाना है, 40 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है। अरे फिक्स करो, मैं कह रहा हूं 3 लाख करोड़ फिक्स करो, फिक्स तो करो, एक बार सोचो तो सही, एक बार बियॉन्ड। अब इसमें मस्ती मजाक में नहीं, अब आपको सोचना है, पहले तो सोचिए कि आपको इतना पैसा चाहिए और उसके लिए अब अपन स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक। हमको एक 10 साल बाद एक सर्टेन अमाउंट चाहिए जिससे हमारी लाइफ स्मूथली चले। कितना चाहिए सर, 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में हो तो चल जाएगा, ठीक। अति तो सर्वत्र वर्ज्य है, पैसे की भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कोई लोग ज्यादा कमा के भी आज ज्यादा कमाने में लगे हुए हैं और कोई कम लगा के भी कम लगा के, तो वही है ना, कौन कहे कौन सुखी, ठीक है। अमीर गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे राजा सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे राम सुखी, राम कहे संत चक्रवर्ती कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे राम सुखी, राम कहे साधु सुखी, साधु कहे संतोषी सुखी। तो संतोष तो होना जरूरी है, तो इसलिए हमको क्या करना है, एक लिमिट फिक्स करनी है, ठीक है। गैदरिंग योर फाइनेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक फिक्स लिमिट कर दी, इसके बाद मेरे को क्या करना है, फाइनेंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। पिंस के इसका मतलब क्या है, सैलरी है, सैलरी है बंदे की, है ना। जब हम उसकी बात कर रहे हैं, किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब करता है, मतलब सेल्फ फ्रीलांसिंग का काम है, ठीक है, फ्रीलांसिंग का काम है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई एजेंट हो कहीं का,
ठीक है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज देता हो, बिजनेस हो, सैलरी हो, ठीक है, एसेट्स सेल परचेज का काम करता हो, बिल्डर हो, कोई मैन्युफैक्चरर हो, मतलब पता करना है। इसके अलावा उसकी इनकम फ्लो पता करनी है कि कितना वो इनकम फ्लो करता है, क्या उसके स्पेंडिंग हैबिट है, ठीक है, स्पेंडिंग का मतलब कि भैया कहाँ कहाँ खर्चा करता है, ठीक है, अल्कोहल में कितना खर्चा करता है, सिगरेट दारू शराब में कितना खर्चा करता है, भैया पता होना चाहिए क्योंकि ये चीजें बढ़ने ही वाली है इंसान की, तो उसको पहले बता पता हो भैया यहाँ से आपको पैसा बचाना है और ये पैसा आपको आपके फाइनेंशियल आरडी एफडी में लगाइए तो आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, आपके चाइल्ड के काम आएगी, वरना ये पैसा आपकी हेल्थ के अंदर और लगने वाला है फ्यूचर में, तो सारी चीजें आपको एक उसका पर्सनल बायोडाटा, अब इसके अंदर ये सारी चीजें आती है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सारी चीजें आ रही है, इनकम भी आ रही है, एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, उसकी लाइफ स्टाइल भी आ रही है, ठीक है, भैया कितने की शर्ट पहनता है, कितने के कपड़े पहनता है, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस कितना है और पर्सनल एक्सपेंसेस मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम कहाँ है, कौन सी चीज ज्यादा खरीदता है, कौन सी चीज खरीदता है, जो हार्मफुल चीजें जैसे टबेको अल्कोहल वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिससे भैया 10,000 का पीना है, कितने का 10,000 का पीना है, तो भैया उसको वो वाली चीजें कटवा के वो 10,000 रुपए की आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है, यही है हमारा प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का, समझ में आया, क्लियर है ना। अब इसके अंदर सीधे सीधे कोई बात नहीं बोलता लेकिन मैंने बोल दी, ठीक है, एनालाइज योर फाइनेंशियल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये जो गैदर हमने इन्फॉर्मेशन करी है इसको एनालाइज करना है, यानी वही जो हमने उससे पूछा उसको एनालाइज करना है कि कौन सी चीजें हम डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक होंगे आपके मोस्ट यूजफुल एक्सपेंसेस, मोस्ट यूजफुल या नेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है, जिनको आप टाल ही नहीं सकते, जैसे कि रेंट, फूड, ठीक है, खाने और में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हम तो ब्राह्मण आदमी सीधा बोलते हैं, ठीक है, रेंट जो परमानेंट एक्सपेंसेस रहने ही वाला है, अगर आपकी बिल्डिंग नहीं है, अगर आपका घर नहीं है तो ये एक्सपेंसेस आपके पास बना ही रहेगा और ये इंक्रीमेंटल वे में रहेगा, आज जो रेंट दे रहे हैं 5% तो गवर्नमेंट 10% का रूल रहता है लेकिन मैं 5% कैलकुलेट कर रहा हूँ, फूड है उसमें तो एक्सपेंसेस थोड़ा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये नेसेसरी एक्सपेंसेस है, किसी की आपकी फीस हो सकती है, ठीक है, ये आपका नेसेसरी एक्सपेंसेस है। अब होता है एक अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ठीक है, इसमें हम क्लोथ भी ले सकते हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो मतलब हम आउटिंग के लिए खर्चा कर रहे हैं, आउटिंग के लिए खर्चा कर रहे हैं, पार्टी वार्टी मना रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप और अदर एक्सपेंसेस जैसे कि रिच कमोडिटी, लेविश कमोडिटी बाय कर लेते हैं, सर आईफोन चाहिए 1,25,000 रुपए का, क्यों, अरे सर थोड़ा लुक आता है, टशन आता है, चलाते हैं मोबाइल, रखते हैं एकदम आईफोन तो मजा आती है, पब्लिक पूछती है कौन सा आईफोन 11, 12, 13 कौन सा है भैया, बता लाख 1,25,000 कितने का है, तो थोड़ा टशन आता है, पर क्या काम है सर, अच्छा चल एक काम कर ये फाइल डाउनलोड करके बता, सर वो डाउनलोडिंग वगैरह तो नहीं आती, अच्छा चल ये कर पीपीटी बना के बता, सर वो पीपीटी तो नहीं आती, तो भैया 1,25,000 के मोबाइल में कर क्या रहे हो तुम, है ना, वो कर क्या रहे हो, वो बस टशन, तो ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस, इनको रोका जा सकता है, इससे वेल्थ क्रिएशन पे सीधा इम्पेक्ट पड़ता है। अमीर लोग वो नहीं अमीर बनते हैं जो अमीर लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, अमीर वो अमीर नहीं बनते जो अननेसेसरी प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं, वो हमेशा वो प्रोडक्ट कर खर्चा करते हैं जो उनके लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं। एक गरीब कार क्यों खरीदेगा, टाटा कार क्यों लाएगा, पड़ोसी के लिए, पड़ोसी लाया अपने भी लानी पड़ेगी, उससे बड़ी लानी पड़ेगी, अमीर कार क्यों लाएगा, टैक्सी में लगाने के लिए कि ये पैसा बना के देने वाली है, ये 2,00,000-3,00,000 कार बना के, हाँ एक बार जब उससे पैसा निकल जाएगा तब मैं एक खुद के पर्सनल यूज के लिए भी कार ले आऊंगा, लेकिन जब तक मैं कार ला रहा हूं मैं किसके लिए कार लाऊंगा, उससे एसेट्स क्रिएट करने के लिए, हम घर खरीदेंगे वो दुकान खरीदेंगे, हम कॉमर्शियल हम रेसिडेंशियल प्लॉट की बात करेंगे वो कॉमर्शियल प्लॉट की बात करेंगे, डिपेंड करेगा, अमीर तभी अमीर बनेगा जब वो एसेट्स जो एक्वायर कर रहा है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए हो। आप एक कार लाया, गरीब एक कार लाया, अमीर एक कार लाया, गरीब क्यों लाया, क्योंकि उसको पड़ोसी को दिखाना है, उसको अपनी नेसेसिटी फुलफिल करनी है, और अमीर क्यों लाया, ताकि उससे वेल्थ क्रिएशन हो। 5,00,000 की कार लाई, एक ड्राइवर रख दिया, ड्राइवर को कहा मेरे को 50% चाहिएगा, ड्राइवर रेडी हो गया, रोज का उसको 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500, 2,000 देना, उसने 1,000 रुपए देना शुरू किया, महीने का 30,000 रुपए आ रहा है, साल का कितना हुआ, 3,60,000 हुआ, दूसरे साल वो ब्रेक इवन पे पहुंच गया, बताओ कहां मुश्किल आ रहा है, 3,00,000, 1,000, 2,000 कमा रहा है वो,
सिर्फ डीजल ला के पटक दी उसने, बेस मॉडल 5 लाख का लाके रख दिया, ले भाई तू चला, ड्राइवर रख दिया, बोले 50% तेरी सैलरी, बात हो गई। अब उसने जो 5 लाख का लोन लिया है, उसने जो लोन लिया है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्लियर हुआ? तो ये वाली चीजें अपन को करनी है, डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। यानी कि अब जब ये यहां पर हम एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल प्लान, सर आप आरडी इतना कराइए, एफडी इतना कराइए, इक्विटी फंड में इतना रखिए, डेप्ट फंड में इतना रखिए, आपको ये वाला म्यूचुअल फंड बेस्ट सुटेबल करेगा, अभी आपकी एज ये है, तो एक इसका फाइनेंशियल प्लान अपन क्रिएट करके देंगे, ठीक है? अब ये वाले शेयर्स परचेज कर सकते हैं, आप ये वाले एसेट्स एलोकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब केवल शेयर एडवाइजिंग या म्यूचुअल फंड नहीं है, आपको आरडी एफडी भी बेचनी है, इवन सेविंग अकाउंट भी बेचना है। अब सेविंग अकाउंट कोई 7% दे रहा है, कोई 3.5-4% दे रहा है, तो मैं 7% वाला क्यों ना खुलाऊं और क्यों खुलाऊं, इसका जवाब आपको देना है, यही फाइनेंशियल प्लानर का मतलब है। और इंप्लीमेंटेशन और रिव्यू करना है, ये एंड नहीं है, वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, यानी कि इसको पीरियोडिकली रिव्यू करना है, आप वीकली भी कर सकते हो, आप फाइनेंशियल प्लानर हो तो और खुद के लिए कर ले हो तो कम से कम 15 दिन में एक बार अपने सारी की सारी फाइनेंशियल जितना भी आरडी एफडी करा है उनको एक बार रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, देखने से कोई कम नहीं होगा। तो ये सारी की सारी 5 प्रोसेस हैं जो फाइनेंशियल, करना क्या है, सबसे पहला मेरे को ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसके ऑब्जेक्टिव के बाद मेरे को पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद उसको एनालाइज करना है, फिर एक प्लान बनाना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है और रिव्यू करना है कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो चेंज करना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, है ना? तो इसी के साथ अपना 30 मिनट का वीडियो भी हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन ये रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर, यदि आप फाइनेंशियल प्लानर बन गए जीवन में, और मैं कहता हूं बन जाओ, अरे कुछ भी पार्ट टाइम के लिए बन जाओ, ये बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, मेरे को बड़े पसंद रहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानर बन गए तो आपके कौन कौन से रोल रहेंगे, कौन कौन सी चीजें हमको करनी होगी, ये सारी की सारी चीजें अपन डिटेल के अंदर समझने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान, और आगे की पूरी यूनिट कंप्लीट कराने वाला हूं, फाइनेंस के वीडियो स्टार्ट हो गए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इसी के साथ मुस्कुराते रहिए। अगर कुछ चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। जय हिंद, खुश रहिए।